तो भाई आज मेरे पास है पेंट्रोल और थम्सअप। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं इन दोनों में चेक करने वाला हूँ कि इन दोनों में किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि किसका घनत्व ज़्यादा है। सो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, जब हम वाटर के अंदर यानी कि पानी के अंदर कोई पत्थर डालते हैं तो वो सीधा नीचे जाकर बैठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, जो पत्थर की डेंसिटी होती है वो पानी से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो नीचे जाकर बैठ जाता है। तो आज मैं चेक करने वाला हूँ क्या थम्सअप की डेंसिटी ज़्यादा है या पेट्रोल की डेंसिटी ज़्यादा है। उसके लिए मैं इन्हें मिक्स करूँगा, जौन सा भी नीचे होगा, जौन सा भी लिक्विड नीचे होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, अभी बीकर को रखते हैं साइड में और इन्हें डायरेक्टली मिक्स करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या ये मिक्स होती है या नहीं। मैंने दोनों को ओपन कर लिया है और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हें डायरेक्टली मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो थम्सअप है वो नीचे चली गई और पेट्रोल जो है वो ऊपर आ गया। आप देख सकते हैं इस वाली बोतल में भी पेट्रोल ऊपर आ गया है, ये मेरे से काफ़ी नीचे खिंच गया है। और अब मैं इसे एक बार उल्टा कर देता हूँ और आप इस बार देखना क्या होगा। आप देख सकते हैं इस बोतल में भी थम्सअप नीचे चली गई और पेट्रोल ऊपर आ गया। तो इसका मतलब इसमें जो डेंसिटी ज़्यादा है वो थम्सअप की है, क्योंकि थम्सअप में वाटर भी होता है, इसलिए इसमें थम्सअप की डेंसिटी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ये किस तरह से नीचे है और ये ऊपर है। तो चलिए एक बार बीकर लेते हैं और बीकर में चेक करते हैं, जिसके अंदर पेट्रोल है वो मैं इस बीकर में डाल देता हूँ और फिर इसको भी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। तो भाई आप देख सकते हैं इसमें भी थम्सअप नीचे चली गई और पेट्रोल ऊपर आ गया। तो भाई आप देख सकते हैं इसके अंदर जो थम्सअप है वो भी नीचे है और जो इसके अंदर थम्सअप है वो भी नीचे है। तो एक बार मैं इसे सारे को इसके अंदर ही डाल लेता हूँ। तो भाई ये सारा तो इसके अंदर नहीं आने का, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वापस जो इसके ऊपर पेट्रोल है वो इस बोतल के अंदर डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने वापस पेट्रोल कर लिया और इस बीकर के अंदर ये थम्सअप है। तो चलिए अब एक बार फिर क्या करते हैं, इस थम्सअप को इसके अंदर डाल। सो भाई आप देखकर समझ ही गए होंगे, इसमें जो डेंसिटी ज़्यादा है वो थम्सअप की ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं थम्सअप सारी की सारी नीचे है और पेट्रोल ऊपर। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।